हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शुद्ध शाकाहारी भोजन में, जहां हम आपके लिए बहुत ही देसी सा भोजन लेकर के आते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही टेस्टी सा आलू का पीठा। और ये आलू का पीठा बनाने के लिए हमने इसमें आधा किलो आलू है जिसको हमने पहले से बॉईल कर रखा है। अब इसके छिलके को उतार लेंगे। आटे का प्रयोग हम करेंगे, गेहूँ का आटा है, 1 किलो आटा लिया हुआ है हमने आलू के अनुसार। और मसाले में हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, हमने 8 से 9 हरी मिर्च लिया हुआ है। इसको हम पीस करके इसका पेस्ट जो है वो मसाले के तौर पे यूज़ करेंगे। अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आटे में ही हम नमक डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच नमक हमने यहाँ पे डाला है ताकि आटे में भी नमक जो है वो पता चले। काफ़ी लोग ने जो है दाल पिट्ठी में काफ़ी कमेंट किया था कि उसमें आटे में भी नमक डालनी चाहिए, तो यहाँ हमने आटे में भी नमक डाल रखा है। और ये देख सकते हैं आप, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है अदरक और लहसुन और नमक, सॉरी मिर्च का। तो यहाँ हम आलू को अच्छे से मैश कर लिए हैं, चोखा तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम मसाले का जो पेस्ट हमने तैयार किया हुआ है यहाँ पे हम डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन और मंगरेल। तो हमने 2 छोटी चम्मच दोनों का मिक्स लिया हुआ है, अजवाइन मंगरेल। नमक स्वाद अनुसार चोखा में ऐड करें, क्योंकि ध्यान रहे कि हमने आटे में भी डाला हुआ था नमक, तो चोखा के अनुसार ही डालें। सरसों तेल 1.5 चम्मच डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून। और अब इसको अच्छे से बिल्कुल मिलानी है ताकि पूरा मसाला जो है आलू में अच्छी तरह से मिल जाए और आलू का ये टेस्टी सा बिल्कुल चाट की तरह ये लगेगा। जैसे आलू चाट लगता है वैसे लगेगा, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये घर का बना फ्रेश है, खाए बिल्कुल। अब आटे का डो तैयार कर लें, जैसे कि रोटी बनाने के लिए करते हैं। तो कढ़ाई पहले गरम कर लें, उसके बाद पानी यहाँ पे 1 लीटर के लगभग हम पानी डालेंगे, क्योंकि जो पीठा है उसको हम पानी में बॉईल करेंगे। तो बिना तेल का ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भोजन जो है वो हम आज डिनर के तौर पे यूज करेंगे। अब एक बड़ा सा लोइया ले लें, इस तरीके से गोल कर लें उसको, जैसे हम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको बेल लें, चाहे तो जरूरत पड़े तो आटे का इस्तेमाल कर लें। इसके बाद ये जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है आलू का, वो हम इसमें भर रहे हैं और थोड़ा लंबाई में भरेंगे, क्योंकि हम पीठा जो है वो इसको थोड़ा लंबा में हम शेप बनाएंगे, जिसको हम बिहार में गोझा बोलते हैं। तो ये बिहार की रेसिपी है, हम बनाते हैं बिहार में इसको। और इस तरीके से इसको अच्छे से चिपका लें ताकि ये फटे ना उबलते टाइम। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शेप दे देनी है, और आलू अगर निकले तो उसको निकाल करके अलग कर ले और एक एक करके पानी में डालते रहें बॉईल होने के लिए। इसी तरीके से सारा गोजा जो है वो हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको समझ में तरीका नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लें आप। ध्यान रहे बिल्कुल अच्छे से चिपकाएं और ज्यादा चोखा नहीं भरे उसमें, नहीं तो वो फटेगा। और जो निकल रहा है एक्स्ट्रा में उसको निकाल के अलग कर लें और डालते रहें। इस तरीके से हमने सारा जो है वो पीठा जो है वो डाल रखा है। और अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर लें और इसको ढक देंगे, क्योंकि बॉईल होनी है ना, इसको बॉईल होकर ही पकना है। तो 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में ढक दें, अच्छे से ये बॉईल हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर पे आप चाहें तो चेक करते रहें कि बॉईल हुआ है कि नहीं। तो इसको हमने खोल दिया है, ये बिल्कुल चिपक चिपक सा थोड़ा सा गया है, तो इसको हल्के हल्के हाथों से करनी है, नहीं तो ये टूट जाएगा। थोड़ा ठंडा होने दे इसको, उसके बाद इसको निकालें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ठंडा हो रहा है और लगभग हो चुका है, इसीलिए हमने इसको निकाला है। गीला निकालेंगे तो वो टूटने का डर होता है। तो आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट और हेल्दी और बिल्कुल अच्छा सा ये भोजन है, सादा भोजन है, जिसको कि आप अगर मसाला खाने से बोर हो जा रहे हैं तो ये सादा भोजन करें। और पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपको ये कैसा लगा।